नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। कोरोना ने फिर डराया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज बैठक लेंगे, राज्यों को निर्देश, सभी पॉजिटिव सैंपल्स की जीनोमो सिक्वेंसिंग कराएं। दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामले फिर डराने लगे हैं, इसे देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया बुधवार को देश में कोविड 19 की स्थिति पर वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक करेंगे। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि कोरोना के सभी पॉजिटिव केस के सैंपल्स जीनोमो सिक्वेंसिंग के लिए भेजे, ताकि कोरोना के वेरियंट का पता लगाया जा सके। मालूम हो कि इन दिनों चीन, जापान, अमेरिका, कोरिया और ब्राजील में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका समेत 10 से ज्यादा देशों में कोरोना के मरीजों में अचानक इजाफा हुआ है। इतना ही नहीं, यहां मौतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका में सोमवार को 19,893 नए केस सामने आए हैं, वहीं 117 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा 55,000 केस जर्मनी में मिले हैं, यहाँ 161 लोगों की जान गई है। जापान में 72,297 केस और 180 सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। ब्राजील में 29,579 केस और 140 मौतें, दक्षिण कोरिया में 26,622 केस और 49 मौतें, फ्रांस में 8,213 केस और 178 मौतें शामिल हैं। दुनिया भर में जहां कोरोना केस बढ़े हैं, वहीं भारत में एक्टिव केस की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय MOHFW के मुताबिक 20 दिसंबर को सुबह 8 बजे तक की स्थिति में देश में कुल 3,490 एक्टिव केस थे, जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।